अदालत की, रोशनी और अंधेरे की। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि साल 2022 में सलमान खान की रिलीज होने वाली सुपर डुपर हिट मूवीज की लिस्ट तो काफी लंबी है, जिसमें अंतिम और भाईजान मूवीज का सलमान खान के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सलमान खान की मूवीज की लिस्ट में एक ऐसी मूवी भी है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है, और उस मूवी का नाम है टाइगर 3। टाइगर 3 मूवी टाइगर जिंदा है सीरीज की एक और पार्ट है, जो एक स्पाई ड्रामा मूवी होगी। वैसे तो आपको पता ही होगा कि सलमान खान ने इसके पहले टाइगर है और एक था टाइगर सीरीज इसमें कर चुकी है। अब आपको बता दें कि साल 2022 में इसका सिक्वल टाइगर 3 रिलीज होने वाला है। हाल ही में सूत्रों से पता चला है सलमान खान ने रशिया में टाइगर 3 मूवी के कुछ पार्ट शूट किए हुए हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि टाइगर 3 मूवी के जो मेन एक्शन सीन्स हैं वो टर्की में शूट किए गए हैं, और आपको बता दें कि इन एक्शन सीन्स को शूट करने के लिए हॉलीवुड से एक्शन डायरेक्टर्स को बुलाया गया है, जिन्होंने बॉर्न सुपरमेसी और द इटालियन जॉब जैसी मूवी में एक्शन सीक्वेंस कोरियोग्राफ किए हुए हैं। वैसे तो सलमान खान की एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है दोनों मूवी सुपर डुपर हिट गई थी, लेकिन अब टाइगर 3 में किस तरीके का एक्शन होगा ये तो फिल्म रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। फिल्म की डायरेक्शन की बात करें तो मनीष शर्मा इस बार टाइगर 3 मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं। इसके पहले कबीर खान ने एक था टाइगर मूवी डायरेक्ट करी थी, जो कि सलमान खान के फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उसके बाद में डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है मूवी डायरेक्ट करी, जो कि एक ब्लॉकबस्टर सुपर हिट मूवी साबित हुई। अब डायरेक्टर मनीष शर्मा टाइगर 3 डायरेक्ट करने वाले हैं, जो कि एक था टाइगर की सीरीज है। अब देखना यह है कि डायरेक्टर मनीष शर्मा एक था टाइगर और टाइगर जिंदा जैसी मूवीज को बीट कर पाते हैं या नहीं। उनका डायरेक्शन कबीर खान और अली अब्बास जफर से कितना बेहतरीन होता है ये तो फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। टाइगर 3 मूवी को साल 2021 में ही रिलीज कर दिया जाना था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इस मूवी की रिलीज डेट को 2022 कर दिया गया है, और बहुत ही जल्दी प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी की रिलीज डेट भी अनाउंस करने वाली है। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग में कैटरीना कैफ का एक कार चेसिंग सीन था, और आपको बता दें कि कैटरीना कैफ ने इस सीन को करते हुए इतना तेज भागी कि कैमरामैन को इनको चेस करने में बहुत ही प्रॉब्लम हुई। बाद में ऐसा पता चला कि इस सीन को एडिट करने के लिए फिल्म के एडिटर को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। 350 करोड़ के हैवी बजट से बनने वाली टाइगर 3 मूवी बॉलीवुड में अपनी क्या छाप छोड़ती है, सलमान खान एक बार फिर से बॉलीवुड में कैसे बाउंस बैक करते हैं ये तो पता चलेगा मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही। तो फ्रेंड्स, ये थी सलमान खान की टाइगर 3 मूवी से जुड़ी हुई अपडेट्स जो हमने आपके सामने लेकर आई। अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सलमान खान की अपकमिंग मूवीज की अपडेट्स हम अक्सर अपने चैनल पर लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।